Let's start question number 5. A solid is in the form of a right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at the other end. अब एक ऐसा सॉलिड फॉर्म है जिसमें एक है राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो ड्रॉ करते हैं फिगर. हमने बना दिया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं? विद अ हेमिस्फीयर एट वन एंड, इसके एक एंड पर तो हेमिस्फीयर बना है. मान लीजिए यहाँ पर हमने हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दिया. एंड अ कोन एट दी अदर एंड, और दूसरे एंड पर क्या बना है? एक कोन बना हुआ है. समझ आया कैसे कैसे मेंशन था? आगे देखिए, द रेडियस ऑफ द कॉमन बेस इज 3.5 सेंटीमीटर. अब पूरी शेप की जो रेडियस है वो तो कॉमन है. कितनी गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर. सो रेडियस हम यहाँ लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर्स. एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पोर्शंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो देखिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली गिवन है, यानी कि पहले सिलेंडर की हाइट गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर. तो ये हो गई सिलेंडर की हाइट, ये है 10 सेंटीमीटर. और कोन की हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर. तो कोन की ये वाली हाइट, इन्होंने स्लैंट हाइट जैसा कुछ नहीं कहा, तो हमें कोन की हाइट ऐसे ही लेना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब हमें इस पूरी शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? इस शेप का टोटल सरफेस एरिया किस चीज़ से मिलकर बना है, ये सोचते हैं. देखिए इस टोटल सरफेस एरिया के अंदर इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया और एक हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया एडेड होगा. यानी कि टोटल सरफेस एरिया में तीन हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करने होंगे. फर्स्ट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो मैं यहाँ शॉर्ट में सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग विद स्पेस राइट नाउ. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है? एक कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है. सो लेट्स राइट पाई आर एल. प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है चारों तरफ की वॉल का 2πRH, 2πRH. और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अभी हमने फॉर्मूले में किया था ना, कितना होता है? 2πR2, राइट. और हमें ये अच्छे से पता है कि इन सभी फिगर में रेडियस तो कॉमन है और एल और एच तो ऑब्वियसली अलग अलग है. तो हम दोनों इन तीनों में से पाई और आर, ये दोनों चीज़ें कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ क्या कॉमन आने पर बचेगा? अगर हम पाई और आर कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा, एक तो इस फॉर्मूले में बचेगा एल प्लस पाई और आर कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2H. पाई और आर यहाँ कॉमन लिया तो मेरे पास 2 भी बचेगा और एक आर भी बचेगा. ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता है, हमें एच भी पता है, लेकिन हमें एल की वैल्यू नहीं पता है ना. एल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. फिर से देखिए, ये है कोन. कोन में हमें सिर्फ एच पता है, ये एच होती है ना. एल कहाँ होती है? एल होती है यहाँ पर, ये तो हमें नहीं पता. ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. एच की वैल्यू कितनी है? एच हमें पता है हमारे इस कोन की जो हाइट है वो है 6, गिवन है. प्लस रेडियस कितनी गिवन है? रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, कॉमन है ना सब जगह. तो हम यहाँ ले लेते हैं 7/2 का स्क्वायर. कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए आप चाहें तो कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए. 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 36 प्लस यहाँ हो जाएगा 49/4 अंडर रूट. ये सीधे ऐड नहीं हो सकते, डेनोमिनेटर में भी है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 144 प्लस 49 अपॉन 4 और पूरे के ऊपर अंडर रूट. 144 और 49 ऐड किया तो ये बना 4 × 5 × 9/4 होल अंडर रूट. तो ये तो अंडर रूट 193 रहेगा, लेकिन अंडर रूट 4 का आंसर हमें 2 पता है. 193 का अंडर रूट हम सॉल्व कर लेते हैं. ये वाली वैल्यू तो आती है 13.89 और इसे 2 से भी डिवाइड कर लेते हैं. सो लेट्स डिवाइड इट 2 सेकेंड्स
डिवाइडेड बाय टू दैट बिकम्स 6.94। सो हम यहाँ 6.9 लेके सॉल्व करेंगे। सो एल की आप कैसे भी कैलकुलेशन कीजिए, आंसर अप्रॉक्सीमेट 7 आना चाहिए। और ये वैल्यू अब हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं। पाई की जगह लेट्स टेक 22/7, आर की जगह कितना है आर हमारे यहाँ 3.5, सो ये हो गया 3.5। एल की जगह अभी हमने कैलकुलेट किया 6.9, तो मैं इससे 7 ले लेती हूँ अप्रॉक्स वैल्यू। 2 इंटू एच, सो 2, और एच की वैल्यू कितनी है, एच हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है विच इज़ 10, ये रहा एच है ना। 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस फिर से आ गया 3.5। और इसे हम यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि लिखने में हमें इजी हो। 7 को यहाँ डिवाइड किया 0.5, और 0.5 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 आएगा, सो ये बन गया 11। और ये सारा पार्ट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 2 इंटू 10 बना 20, प्लस 2 इंटू 3.5 कितना बना 7, 11, ये कितना हो गया 14, 14 और 20 और फिर ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 473, सो अप्रॉक्सीमेट 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट।